तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों, जवान के डे 11 की अर्ली एस्टिमेट की फाइनल बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन की रिपोर्ट आ चुकी है। ओवरसीज से कितनी कमाई करी, वर्ल्ड वाइड से कितनी कमाई करी, आज पूरे दिन नेट इंडिया से कितनी कमाई करी, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सेकेंड संडे आज डे 11 में कैसी ग्रोथ रही मूवी की, कितनी ऑक्यूपेंसी रेट रही, कितने हाउसफुल शोज रहे, पूरी डिटेल टू डिटेल एक एक कर चर्चा करेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहना, लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर SRK के डाई हार्ट फैन हैं और जवान मूवी से लगातार बड़ी बड़ी अपडेट चाहते हैं। तब दोस्तों आज बताऊं तो संडे में धमाका मचा दिया, बाय गॉड सेकंड संडे में ऐसी ग्रोथ देखने को मिलेगी किसी ने भी नहीं सोचा था। मैंने उम्मीद भी नहीं करी थी कि ऐसी ग्रोथ देखने को मिलेगी, क्योंकि सैटरडे ह्यूज कलेक्शन रहता है। नॉर्मली अगर देखा जाए बड़ी बड़ी मूवी का, तो कल सैटरडे को अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला। पूरी दुनिया से 77 करोड़ का आंकड़ा लेके आई मूवी सेकेंड सैटरडे में, तो ऑसम कलेक्शन था। लेकिन आज संडे में भी जो तबाही मचाई है, बाय गॉड ऑसम कलेक्शन, ह्यूज कलेक्शन। लेकिन शुरू करने से पहले एक बार पहले 10 दिन के आंकड़े की ओर नजर डाल लेते हैं। पहले 10 दिन में कल कितनी कमाई करी है मूवी ने, कल एंड ऑफ द डे तक उस पर एक बार नजर मान लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ हिंदी से पहले 10 दिन में मूवी ने 396 करोड़ का जादुई आंकड़ा अपने खाते में रख लिया था, और ऑल इंडिया नेट से पहले 10 दिन में 442 करोड़ का कलेक्शन कर लिया था, और ऑल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन पहले 10 दिन में 510 करोड़ के आंकड़े को कल एंड ऑफ द डे तक टच कर लिया था। और पूरी दुनिया से पहले 10 दिन यानी कल सेकेंड सैटरडे तक मूवी ने 797.50 करोड़ यानी 798 करोड़ ही मान के चलो का जबरदस्त कलेक्शन कर लिया था। भाई साहब मात्र 2 करोड़ कम रह गए थे कल मूवी को 800 करोड़ कंप्लीट करने में, जो कि आज संडे ने वो कसर पूरी कर दी। ना कि सिर्फ 800 करोड़ में एंट्री मारी, बल्कि इसके ऊपर जाके क्रॉस किया 850 करोड़ के ऊपर। वो आगे वीडियो में आपको बताऊंगा कि कितना कलेक्शन अभी तक इसने आज डे फाइनल डे 11 में कर लिया है। तो अब बात करते हैं आज डे 11 में कैसी ग्रोथ है। तो सबसे पहले आज ओवरऑल डे की ऑक्यूपेंसी रेट बता देता हूँ। लगभग 45-50% की ऑक्यूपेंसी के साथ मूवी लगातार ट्रेंड करी है, लगातार। जी हाँ दोस्तों, आज सिर्फ एडवांस से ही मूवी ने 11 करोड़ का कलेक्शन करा था, अराउंड में 11 करोड़ का कलेक्शन कर लिया था। तो अभी ये फाइनल प्रिडिक्शन है, अर्ली एस्टिमेट की रिपोर्ट है। कल जब डे 11 की फाइनल रिपोर्ट आ जाएगी मेकर्स की तरफ से, तो उसमें डिटेल टू डिटेल एक बार फिर से चर्चा कर लेंगे कि कैसी क्या ग्रोथ रही, कितना एडवांस कलेक्शन किया था, कितनी ऑक्यूपेंसी थी। तो अभी एक प्रिडिक्शनेबल आंकड़ा है, लेकिन यह आंकड़ा बिल्कुल स्लाइटली टच होता है ऑफिशियल आंकड़े को, बाय गॉड। इसी के साथ हिंदी से आज मूवी एंड ऑफ द डे तक डे 11 में 32 करोड़ का जबरदस्त कलेक्शन करते नजर आ रही है, और तमिल और तेलुगु से आज 2 करोड़ का जबरदस्त कलेक्शन करते नजर आ रही है। इसी के साथ अगर हम बात करें टोटल नेट कलेक्शन आज डे 11 में कितनी रही है मूवी की, तो 34 करोड़ आते दिख रहा है ऑल इंडिया नेट कलेक्शन से। इसी के साथ ग्रॉस कलेक्शन की बात करें तो 44 करोड़ के आंकड़े को टच कर रही है मूवी आज एंड ऑफ द डे तक, यानी डे 11 में। और ओवरसीज से कितना आएगा, ओवरसीज से भी धमाका धम्मा चाहते नजर आ रही है। हालांकि कल से थोड़ा आंकड़ा कम देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, आज डे 11 में 27 करोड़ का कलेक्शन करते नजर आ रही है सिर्फ ओवरसीज से। तो पूरी दुनिया से आज डे 11 में कमाई कितनी करते नजर आ रही है मूवी, 70 करोड़ के आसपास कमाई करते नजर आ रही है, और कल कितना था, 77 करोड़ का पूरी दुनिया से कल 10वें दिन में। तो इसी के साथ अब पूरे नजर मार लेते हैं कि पहले 11 दिन में मूवी कितनी कमाई कर चुकी है हिंदी से। हिंदी से कमाई कर चुकी है मूवी अब पहले 11 दिन में 428 करोड़ का कलेक्शन, जबरदस्त आंकड़ा। संडे को मतलब फाड़ के रख दिया, बाय गॉड, क्योंकि सिर्फ हिंदी से 428 करोड़ आज मूवी कमाते नजर आ रही है। और जबकि बहुत सी मूवीज तो 400 करोड़ लाइफ टाइम कलेक्शन भी नहीं पहुंच पाती, इवन ब्रह्मास्त्र नहीं पहुंच पाई थी 400 करोड़, तो सिर्फ हिंदी से मूवी ने जवान ने 428 करोड़ की कमाई करी है। इसी के साथ वॉर भी 400 करोड़ के कलेक्शन में नहीं पहुंच पाई, लाइफ टाइम कलेक्शन की बात कर रहा हूं, जबकि यहां सिर्फ हिंदी से ही मूवी 428 करोड़ कमा लिए हैं। अब इसके साथ पहले 11 दिन में नेट कलेक्शन कितना कर लिया ऑल इंडिया से, 476 करोड़ के आंकड़े को अपने नाम कर लिया है। इसी के साथ ग्रॉस कलेक्शन कितना कर लिया पहले 11 दिन में, लगभग 554 करोड़, जी हाँ दोस्तों 550 करोड़ का कलेक्शन ग्रॉस से अपने खाते में रख लिया है। और पूरी दुनिया से मूवी कितनी कमाई कर लेगी आज एंड ऑफ द डे तक, अपने पहले 11वें दिन में 765 करोड़ के आंकड़े को अपने खाते में रख लेगी धड़ल्ले से, बाय गॉड।
लगातार मूवी सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए आगे बढ़ रही है। जहाँ दोस्तों सारे रिकॉर्ड ना कि सिर्फ तोड़ दिए हैं बल्कि मैं कहूँ तो फाड़ के रख दिए हैं सारे के सारे रिकॉर्ड मूवी ने। तो ये तो थी आज की पूरी 11वें दिन की अर्ली एस्टिमेट की फाइनल प्रिडिक्शन रिपोर्ट। अब जब कल ऑफिशियल रिपोर्ट आ जाएगी तो उस पर अलग से वीडियो बना दी जाएगी, लेकिन आज क्या मूवी 70 करोड़ से ऊपर पूरी दुनिया से कमाई करते नजर आएगी या नहीं, ये आप लोग बताएंगे नीचे कमेंट बॉक्स पर। क्योंकि कल 77 करोड़ की कमाई करी थी और बहुत सी जगह ओवरसीज से अभी आंकड़ा आया नहीं है क्लियर। तो आज मूवी क्या 80 करोड़ के आंकड़े को टच करेगी या नहीं करेगी, ये आप लोग बताएंगे नीचे कमेंट बॉक्स पर। और 1000 करोड़, मैं फिर कह रहा हूँ 1000 करोड़ कब पूरे कर सकती है मूवी, क्या अगले आने वाले 13वें या 14वें दिन में 1000 करोड़ का कलेक्शन ये मूवी कर लेगी या नहीं कर लेगी। और लाइफ टाइम कलेक्शन, मैं फिर कह रहा हूँ लाइफ टाइम कलेक्शन ये मूवी कितना कर सकती है, क्या 1400 करोड़ या 1500 करोड़, ये आप लोग बताएंगे नीचे कमेंट बॉक्स पर। बाकी मूवी रूबी बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड हॉलीवुड साउथ फिल्मों के अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे जुड़े रहना। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, दूसरा अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।